बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी मसाला, भिंडी बनाने जा रहे हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये देखें, ये मेरा किचन जो है रेडी हो चुका है, आग भी जल रही है। तो प्यारे व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ रहिएगा, मिल के बनाते हैं। तो आ जाए, ये जो है मसाला मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये भिंडियां मैंने काट ली हैं। अब इसको मैं चढ़ा देती हूँ, ऑयल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं आपको जी। तो प्यारे व्यूवर्स, ऑयल गरम हो चुका है, इसमें प्याज डाल देते हैं, इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो रहे हैं, इनको कुछ देर के लिए ढक के खड़ा देते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद टमाटर काट लेती हूँ, और अच्छे से ब्रीक ब्रीक दो टमाटर मैंने लिए, उनको काट देती हूँ। अब हरी मिर्चें भी भिंडी में बहुत मज़े की लगती हैं। जो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, आप इसमें आप देखें, इस तरह से आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, ऐसे ही कर लेने हैं। तो अब इसमें हमने भिंडी काट के रखी हुई थी, इसको भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि जो इस ये लेस छोड़ती है ना, वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, भिंडी जो है ये हमारी फ्राई हो रही है। जी तो प्यारे व्यूवर्स, भिंडी और प्याज फ्राई हो चुका है, इनको एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये हमारी भिंडी फ्राई, और इसी ऑयल में मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, बाकी मसाले भी डाल देते हैं। हरी मिर्च, ये लाल मिर्च, हल्दी, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा कुटा हुआ धनिया, और नमक जो है वो तो आप हसबे ज़रूरत ही ले सकते हैं। इनको अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसकी जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो मैंने थोड़ी सी दही लेके रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने हरी मिर्चें कूट के पीस के अच्छे से वो भी मिला दी थी, तो इसको डाल देती हूँ। और ये हमारा जो है भिंडी मसाला, इससे बहुत मज़े का तैयार होता है मसाला हमारा, आप देख सकते हैं बहुत मज़े का जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा एक आध मिनट इसको भुनाई करेंगे, उसके बाद भिंडी जो है ये मैं डाल देती हूँ, मज़ेदार भिंडी जो फ्राई करके रखी हुई थी। और इसकी 2 से 3 मिनट मज़ीद इनकी सब चीज़ों की भुनाई करेंगे। और ये देखें, देखते हैं जी सालन। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना है जी। तो प्यारे व्यूवर्स, भिंडी मसाला तैयार हो चुका है, अब मैं रोटी बनाती हूँ, और रोटी के साथ आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा बना है। रोटी हो चुका है, रोटी अभी मैंने बना ली है, अब टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के साथ मिलते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखना, और फिर नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के साथ मिलेंगे। इंशाल्लाह, भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।